ओम श्री गणेशाय नमः। माय डियर फ्रेंड्स, तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम एक बिल्कुल डिफरेंट रीडिंग के साथ आए हैं, जिसकी शायद इतनी बार डिमांड हुई है कि फाइनली आई डिसाइडेड कि हाँ। जनरली मैं रीडिंग बनाती हूँ कोई भी साइन वर्सेस ऑल द साइंस, बट लोग चाहते हैं कि मैं एक एक साइन के साथ स्पेसिफिकली रीडिंग बनाऊं कि वो उसके बारे में क्या सोचता है, यानी कि एरीज वर्सेस एरीज, एरीज वर्सेस डिफरेंट साइंस। तो आप 12 राशियों के साथ आपका क्या लिंकेज दिख रहा है, रिलेशनशिप कैसे और जा रहा है, इसकी ये रीडिंग होगी। फ्रेंड्स, बहुत हिम्मत करके मैं ये रीडिंग करने लगी हूँ, बिकॉज इट्स नॉट दैट ईजी कि आप 12 साइंस वर्सेस 12 साइंस बनाओ। बहुत एनर्जी, बहुत टाइम लगता है इस एक रीडिंग में, बट क्योंकि आप सब बहुत दिल से चाहते हैं और आप लोग को क्लैरिटी चाहिए, सो आई एम थिंकिंग कि मुझे इसके ऊपर काम करना चाहिए। सो ये एकदम डिफरेंट रीडिंग होगी। पसंद अगर आप लोगों को ये आएगी तो मैं आगे भी बनाऊंगी, ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है फ्रॉम माय साइड, तो मुझे कमेंट्स वगैरह करके बताना। दूसरा, इसे एक जनरल रीडिंग की तरह लेना। अभी भी मैं यही कहूँगी कि ये नहीं है कि मैंने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर हो गई और जो मैम ने कहा वही हो रहा है मेरे साथ या होगा। सो थोड़ा सा सोच के समझ के चीज़ों को आपने डील करना है और ज़बरदस्ती आपने कोई भी चीज़ को अपने ऊपर फोर्स नहीं करना है। और नाम राशि या फिर सन एंड मून साइन के अकॉर्डिंग आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जल्दी से इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, आइए देखते हैं फ्रेंड्स कि आपके लिए क्या है ये 12 साइंस की रीडिंग। बट उससे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे आपकी करंट फीलिंग्स, सो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। 5 ऑफ कॉइंस, क्वीन ऑफ कॉइंस, देन वी हैव द टावर, नाइट ऑफ कॉइंस। देखिए एक्वेरियस, आप इस रिलेशनशिप में ऐसे दिख रहे हैं मुझे अभी फिलहाल, जो आपकी करंट एनर्जीज हैं, पता नहीं क्यों बहुत रिग्रेट हो रहा है आपको, बहुत ज़्यादा। आप हाईली रिग्रेट में हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा। आप बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ इस रिश्ते में आए थे, आपने ऐसा लगता है बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत अभी भी करना चाहते हैं, बट जस्ट बिकॉज क्योंकि ये टावर मोमेंट आया, चीज़ें इतना टूट फूट गई आप दोनों के बीच में, आपको ऐसा लगता है मैंने इतना किया, इतना दिया, फिर भी मुझे बदले में ये सब ही मिलना था। सो अभी फ़िलहाल जो आपकी करंट सिचुएशन है वो स्ट्रेस भरी है, अकेलेपन की है, आइसोलेशन की है, और ख़ुद को संभालने की बहुत प्रयास चल रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी पर आप काम करना चाहते हैं, पर अभी अंधकार दिख रहा है आपको। कुछ अपने पुराने लिए डिसीजंस पर आपको मतलब गलती फील हो रही है कि आपने शायद गलत इंसान को चुन लिया या गलत इंसान पे एतबार कर लिया, कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे। ठीक है, सो ये मुझे आपकी करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स नज़र आ रही हैं। आइए बढ़ते हैं अब 12 साइंस की तरफ, क्या सोचते हैं वो 12 साइंस आपके लिए। एक एक करके सबकी एनर्जी देखेंगे, निकालेंगे क्या सोचते हैं वो। ठीक है, सो 12 साइंस एनर्जी क्या है। उप्स, सारे कार्ड्स गिर गए। ओके, ओके, ठीक है। सो ये है अब एरीज राशि के लिए, एरीज राशि क्या सोचती है एक्वेरियस के लिए। हर्मिट, द डेविल, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ कप्स। देखिए एरीज आपसे करते हैं बहुत ज्यादा प्यार, एरीज आपको बनाना चाहता है अपने घर का एक सदस्य, एरीज चाहता है आपको कमिटमेंट देना, आपको प्यार भी करता है और आपके लिए सेक्सुअली बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, आपसे बंधे हुए हैं, आपके बिना रह नहीं सकते। आप बहुत ज़्यादा उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है उनके लिए। आपके लिए वो शायद कुछ भी छोड़ सकते हैं, किसी को भी छोड़ सकते हैं, ऐसे जादू में हैं वो आपके।
उन्हें ऐसा कहीं ना कहीं लगता भी होगा कि आपने उन पे जैसे कोई जादू कर दिया एक्वेरियस, बट अपनी हर एक चीज़ छोड़ने को तैयार हैं वो आपके लिए। फिलहाल तो मुझे आपके लिए, अगर आप एरीज के साथ डील कर रहे हैं सो ये एरीज तो टोटली आपके ऊपर फिदा है, बस आपके साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और आपके लिए किसी को भी छोड़ सकते हैं ऐसा दिख रहा है मुझे। सो गुड एनर्जी। बढ़ते हैं अगला लियो राशि की तरफ। सो लियो क्या सोचते हैं? टू ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल। देखिए टू ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स से मुझे दिख रहा है कि लियो राशि अभी बहुत कंफ्यूजन में दिख रहे हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप में। वो लोगों के साथ डिस्कस करते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है आपके साथ कम डिस्कस करते हैं, आपके साथ कम बात करते हैं, लोगों की ज़्यादा राय लेते हैं और शायद ये चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती। आपको ये बातें हर्ट करती हैं, आपको लगता है कि भाई रिश्ता हमारा है तो बातचीत भी हमारे आपस में एक दूसरे के साथ होनी चाहिए। आप लोगों से क्यों बातें करते हो इतनी ज़्यादा? और जब आप कुछ उन्हें बोलते हैं तो फिर ये आपसे लियो हो जाते हैं नाराज़ और कहीं ना कहीं फिर आपको नहीं समझ पाते। फिलहाल उन्हें ऐसा लगता है कि वो पुरानी बातों को जितना हो सके भूलें और आपके साथ आगे बढ़े अपनी लाइफ में। कंफ्यूज हैं बट फिर भी आगे बढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को छोड़ना तो नहीं चाहते। आपको भी एक्वेरियस कुछ चीज़ों को समझना होगा, उन्हें अंडरस्टैंड करना होगा, उन्हें सेकेंड चांस देना होगा। आप ज़्यादा हाइपर ना होकर लियो के साथ डील करें क्योंकि लियो भी काफ़ी गर्म मिजाजी होते हैं। अगला बढ़ते हैं सैजिटेरियस की तरफ। सैजिटेरियस क्या सोच रहे हैं इस सिचुएशन में आपके बारे में? सो हेरोफेंट का कार्ड आया है, फोर ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस स्ट्रेंथ। देखिए सैजिटेरियस बहुत ज़्यादा क्लियर हैं आपको लेकर रिलेशनशिप में। अगर अभी तक सैजिटेरियस ने बैक सीट ले रखी थी, आपको ज़्यादा लव नहीं दिखाते थे, समझा नहीं पाते थे, घबराते थे, तो अब ऐसे हो गए हैं सैजिटेरियस की नहीं, मैं अब दिखाऊंगा, मैं अब करके दिखाऊंगा एक्वेरियस को कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। अगर बिल्कुल हिम्मत नहीं दिखाते थे तो फाइनली अब जो मिली हार है उसके बाद उन्हें समझ में आने लगा है। और अगर अब तक बहुत ज़्यादा ऐसे थे कि बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखाते थे तो थोड़ा सा अब उन्हें झटका सा लगा है और जो छोटी मोटी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आई हैं उन्हें हैंडल करने के लिए दिमाग से चलने का प्लान बना रहे हैं कि अपने इस रिश्ते को कितनी समझदारी से हम आगे डील करें। ठीक है, बढ़ते हैं टॉरस की तरफ। टॉरस क्या सोचते हैं आपके बारे में इस रिश्ते में? टॉरस के क्या विचार हैं? सो किंग ऑफ वॉन्ड्स, द मून, पेज ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स। देखिए टॉरस कुछ खास आपके बारे में अच्छा सोच नहीं रहे। मुझे ऐसा दिख रहा है कि टॉरस को आपको लेके मन में बहुत सारे डाउट्स और फियर्स हैं। पता नहीं क्यों वो आपके लिए ऐसा सोचते हैं कि आप कहीं ना कहीं उनके साथ कोई चीटिंग या मैन्युपुलेशन खेल देंगे या कुछ चालाकी कर देंगे। अंदर से बहुत ज़्यादा डरे डरे रहते हैं आपको लेके, या तो पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है, हो सकता है टॉरस ने किया हो आपके साथ कुछ ऐसा, बट फिलहाल वो मुझे बहुत ज़्यादा चीटिंग की और घबराहट की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। या तो आप उन पर बहुत हावी रहते हैं, इस चीज़ का उनको डर है, उन्हें ये डर है कि कहीं इस रिश्ते में वो ठगा हुआ ना रह जाएं, ऐसा सा दिख रहा है मुझे। ठीक है, सो ये है टॉरस की एनर्जी। टॉरस के बाद आते हैं वर्गो के पास। वर्गो क्या सोचते हैं? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स। देखिए वर्गो की आपके साथ कुछ ऐसी एनर्जी है कि वर्गो को ऐसा लगता है कि आप और वो कहीं ना कहीं डिवाइन के प्लान के अकॉर्डिंग एक दूसरे की लाइफ में आए हैं। वर्गो की लाइफ में आप ऐसे आए कि वर्गो आपको मिले और आप दोनों का एक अटैचमेंट हुआ, बट फिलहाल वर्गो को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। एक तो आप उनसे कहीं ना कहीं, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस में हो, वो इस रिलेशनशिप को संभाल नहीं पाए,
और चीज़ों को इतने अच्छे से हैंडल नहीं कर पाए। सो फिलहाल उन्हें ऐसा लगता है कि जगलिंग करने की बजाय कुछ ना कुछ शायद या तो वक्त इस चीज़ का सलूशन निकाल देगा या फिर हम दोनों खुद किसी तरह से इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। सो बहुत ज़्यादा मुझे वर्गो की तरफ से ऐसा दिख रहा है कि वर्गो ने हर चीज़ को वक्त पे छोड़ रखा है, अपने वक्त का वो इंतज़ार कर रहा है, बट आपके साथ कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल डिटैचमेंट नज़र आ रही है। अब वो दूर होने की वजह से भी हो सकती है या फिर पुराने पास्ट में हुई चीज़ों की वजह से भी, यह आपको डिसाइड करना है कि क्या है बातें। नेक्स्ट एक्वेरियस देखते हैं कैप्रिकॉन क्या फील करते हैं आपके लिए। सो कैप्रिकॉन की क्या फीलिंग्स हैं एक्वेरियस के लिए, दो कार्ड्स आए हैं मैं दोनों लूंगी। कैप्रिकॉन की ना मुझे दो तरह की रीडिंग आई है, मैं दोनों एक्सप्लेन करती हूँ। कहीं ना कहीं कैप्रिकॉन आपके साथ करते हैं बहुत ज़्यादा प्यार, कैप्रिकॉन ने हमेशा से आपके साथ इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा लव एंड अफेक्शन दिखाया है। शायद उन्होंने अपनी एक हैप्पी मैरिज या हैप्पी रिलेशनशिप भी आपके लिए एंड कर दिया इतना ज़्यादा, बट नाउ दे आर वेटिंग कि लाइफ उनके साथ कुछ ऐसा करे जिसकी वजह से वो और आप हमेशा के लिए एक हो जाएं, बट चीज़ें ऐसी हो नहीं रही। डिवाइन का कुछ और ही प्लान है, वो शायद आपके साथ परमानेंटली अपनी लाइफ को बनाकर एक घर होना चाहते हैं, एक साथ होना चाहते हैं, पर डिवाइन शायद उनको कोई बैड कर्मा दे रहा है या कुछ ऐसा फंसा के रखा हुआ है जहाँ से वो निकल नहीं पा रहे। फंसे हुए से दिख रहे हैं मुझे आपके साथ ये कैप्रिकॉन बहुत ज़्यादा, और ना ही वो आपको छोड़ पा रहे हैं ना ही आपको जीवन भर के लिए अपने साथ रख पा रहे हैं। अगला देखते हैं कैंसर राशि, कैंसर पाइसिस एंड स्कॉर्पियो में, पहला कैंसर, पेज ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए ऐसा दिख रहा है कि कैंसर राशि बहुत ज़्यादा आपके साथ पुराने हुए झगड़ों में अभी भी फंसी हुई है, वो उस एनर्जी से बाहर नहीं आ रही। कैंसर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एक तरह की साइन है जो मैंने देखा है, जब वो प्यार करते हैं तो भी बहुत ज़्यादा करते हैं, और जब वो किसी से दूर होना चाहते हैं, नफरत करते हैं या गैप बनाते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा करते हैं। फिलहाल मुझे उनकी तरफ से गैप नज़र आ रहा है आपके तरफ, ज़्यादा बातचीत नहीं करते, हो सकता है आपको स्टॉक करते हो, देखते हो सोशल मीडिया पे जगह जगह पर आगे बढ़कर कुछ करने को तैयार नहीं है, अभी भी फंसे हुए हैं अपनी पास्ट के झगड़े और एनर्जी में जो भी आप दोनों के बीच में हुए हैं। सो उससे बाहर आने के लिए उन्हें काफ़ी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, ये मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, सो फिलहाल आप अगर किसी कैंसर से डील कर रहे हैं एक्वेरियस, तो आप थोड़ा उन्हें समय दीजिए ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को बाहर आ सके, नॉर्मल हो सके। कैंसर के बाद आते हैं स्कॉर्पियो पे, स्कॉर्पियो का क्या रिलेशनशिप है एक्वेरियस आपके साथ, क्या चाहते हैं स्कॉर्पियो आपके लिए। सो स्कॉर्पियो ने कहीं ना कहीं मन बनाया है आपकी तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने का, आपको समझने का, आपके साथ सही करने का। अगर पीछे पास्ट में भले ही स्कॉर्पियो ने कुछ गलत करा भी हो, बट अभी स्कॉर्पियो को ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे एट लास्ट फाइनली एक्वेरियस को जस्टिस देना ही होगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो मुझे चाहता है लाइफ में, उसको बैलेंस करके ही देना होगा। उसने भी बहुत त्याग किया है, उसने भी बहुत कुछ अपनी लाइफ में मिस किया है, सो फाइनली हमें भी कैंसर को वो सब देना होगा और करना होगा। सो मुझे एक्वेरियस को मुझे यही नज़र आ रहा है कि एक्वेरियस, ये स्कॉर्पियो आपके साथ आगे बढ़कर आपको अगर प्रॉब्लम दे भी रहा था, बट अभी उस पूरी सफरिंग को एंड करके आपके साथ एक घर को, एक रिलेशनशिप को बनाना चाहता है और आगे बढ़ के बैलेंस करेंगे ये चीज़ों को। नेक्स्ट बढ़ते हैं जेमिनाई की तरफ, सो जेमिनाई क्या फील करते हैं आपके लिए एक्वेरियस, पेज ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। देखिए फिलहाल तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि जेमिनाई ने अपने एनर्जीज को बहुत कम कर रखा है, आपको ज़्यादा प्यार, एनर्जी, लव नहीं दिखा रहे, आपसे कहीं ना कहीं घबराते हैं, डरते हैं, या तो
बार बार आपने जो एक दूसरे के तरफ जो पिंग पोंग बॉल खेली है झगड़े की, कभी आपने कुछ किया कभी उन्होंने किया, तो उसके चक्कर में वो एक कड़वाहट आ गई है। और अभी शायद जेमिनाई भी आपको कड़वाहट ही दिखा रहे हैं, बिल्कुल आपको समझ नहीं पा रहे, बट फिलहाल वो अपने आप को भी टाइम दे रहे हैं, खुद को भी सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही वो सेटल होंगे दोबारा आपके साथ रिलेशनशिप को स्टार्ट करेंगे, बट एक तरह से पॉज मोड पे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव लिब्रा राशि। सो लिब्रा क्या सोचता है आपके लिए एक्वेरियस। सो लिब्रा को ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में भले ही कितनी भी टावर मोमेंट्स आ जाएं या कुछ भी हो जाए, वो आपकी तरफ धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, इस रिलेशनशिप को बेटर बनाने की कोशिश करेंगे, अपनी तरफ से वो इस रिलेशनशिप को हील करेंगे। ख़त्म तो वो नहीं करना चाहते, बट क्योंकि एक बहुत बड़ा नो कॉन्टैक्ट आ गया है आप दोनों के बीच में, या फिर एक बहुत बड़ी क्या कहते हैं खाई बन गई है, वो उस खाई को भरना चाहते हैं खुद को हील करके, खुद को बेटर बना के और अपनी कमियों पे काम करके। और नेक्स्ट आपके और उनके बीच में किसी न किसी तरह की स्टेबिलिटी को बनाना चाहते हैं ताकि चीज़ें फिर से बेटरमेंट की तरफ आगे बढ़ें। अगर अभी तक नहीं बढ़ी तो अब आगे बढ़ें। मुझे ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने एक जैसे लेसन लिया है अपनी इस पूरी सिचुएशन से। सो नेक्स्ट वी हैव एक्वेरियस वर्सेस एक्वेरियस। सो एक्वेरियस क्या है आपकी एनर्जी, अगर आप एक्वेरियस के साथ ही डील कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अगर आप एक्वेरियस के साथ ही डील कर रहे हैं, कुछ कुछ आपकी शुरू में जब हमने एनर्जी निकाली थी तो आपकी एनर्जी भी कुछ ऐसी ही निकली थी और इनकी भी कुछ ऐसी निकली, क्योंकि हो तो आप दोनों सेम साइंस ही, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को एटीट्यूड दिखाते हैं, क्योंकि सेम साइन है तो आपस में जो एनर्जी है वो तो सेम ही रहेगी, बट एक दूसरे को लेके या चीज़ों को लेके या एक्शंस को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। आप दोनों को समझना होगा कि एटीट्यूड दिखाकर या एक दूसरे को नीचा दिखाकर कुछ नहीं होगा, अगर आप लोग मेहनत करके आगे नहीं बढ़ेंगे और चीज़ों को नहीं संभालेंगे। सो ये जो गैप है लड़ाई झगड़े का, ये बढ़ता जाएगा, और अगर एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, एक दूसरे को चांस नहीं देंगे, तो भी ये चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी। आप किसी एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हैं, वो एक्वेरियस चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहता है, बट अपनी ईगो में रहकर करना चाहता है, अपने आप को पावर में रख के रहना चाहता है। सो ये आपको देखना होगा। ठीक है, सो ये है माय डियर आपकी रीडिंग, एंड आई होप एक्वेरियस आपको बहुत क्लैरिटी आई हो, 12 साइंस की रीडिंग थी। पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, रीडिंग को लाइक करना। मिलूंगी अगली रीडिंग में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।